मेक इन इंडिया आखिर क्या है, इसी विषय पर इंदौर के अभ्यास मंडल की ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला में चर्चा हुई, जहां बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत में दुर्गा वाहिनी की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की संयोजिका श्रीमती माला सिंह ठाकुर ने मेक इन इंडिया के बारे में बताया। चाहे वो विश्वविद्यालय का विषय रहा हो, यातायात का विषय रहा हो, रेल का विषय रहा हो, नर्मदा यहाँ लाने का विषय रहा हो, या फिर ऐसा कोई विषय रहा हो जिससे इस शहर के आसपास के जो जिले हैं उनको जोड़ना हो, ऐसे सभी विषयों के साथ सरोकार रखे और वर्तमान में चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो, मेट्रो ट्रेन की बात हो, या बहुत बड़ा अभियान जिसके बारे में बाहर भी निशिकांत जी ने देखा, खान नदी के सफाई के अभियान की पहल करने की बात हो। इस व्याख्यान माला में विशेष अतिथि झारखंड के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे थे, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के लिए डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के साथ ही देश भर में परिवहन की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करना आवश्यक है। जनधन योजना, लोग लगता है क्या है जनधन योजना, क्या है? यदि कोई बिजनेस को प्रॉस्परस होना है, बढ़ना है, मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल होना है, उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा में क्या था, देश की स्थिति क्या थी, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब मैं वित्त के लंबे चौड़े शब्दों में भी आऊंगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, बड़ा लंबा शब्द है, कि हम कितना आयात करते हैं और कितना निर्यात करते हैं, भारत कितना एक्सपोर्ट करता है और भारत कितना इम्पोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच, क्योंकि जब हम कहीं किसी दूसरे देश से इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर के टर्म में होता है, क्योंकि रुपया तो पूरी दुनिया में चलता नहीं है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप, उस गैप को करंट अकाउंट डेफिसिट। व्याख्यान माला में बुद्धिजीवियों का कहना था कि इन दिनों मेक इन इंडिया की बातें हो रही हैं, लेकिन केवल बातों से और नारों से मेक इन इंडिया नहीं बन सकता। सरकार, बुद्धिजीवी वर्ग, बेरोजगार, युवा और निवेशकों के बीच समन्वय बनाने के बाद ही मेक इन इंडिया बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।